एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज हम बात करने वाले एक बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो क्या टॉपिक है जल्दी से आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डेली रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। डेली रिलेशनशिप बनाने से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहली बारी आती है कि एक्सरसाइज। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई सारा काम करते हैं, लेकिन हाँ, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके दौरान भी हम ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी सारा वर्कआउट किया है। एक एक्सरसाइज के तौर पर भी रिलेशनशिप को, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप को देखा जाता है, जो कि हमारे शरीर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल को संतुलित रखता है। तो आपको पता है हमारे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से हमारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर होती है, एंड माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी, माइग्रेन जैसी चीज़ों में भी हमें राहत मिलती है। और आपको पता है जब फीमेल्स पीरियड्स के टाइम पे या फिर उनको जब पेन होता है तो वो चीज़ें भी कम हो जाती है। शादी के पहले जब लड़कियों में जैसे पीरियड्स आते हैं और जब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस चीज़ से भी हमें राहत मिलती है। तो इसके बारे में है ना, हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिंता एंड तनाव से दूर, मतलब ये फ़ायदा सबसे बड़ा फ़ायदा है। क्या होता है ना कि जेंट्स अपने कामों में बिजी रहते हैं, ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं, फैमिली प्रेशर को लेकर टेंशन में रहते हैं, क्योंकि फैमिली में बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स और दूसरी कई सारी टेंशन्स चलती रहती है। और महिलाएं भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहती है, घर में फैमिली प्रेशर, घर के काम, बच्चों के काम, स्कूल, बाहर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। बट जब आपस में दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप बनाते तब उनका माइंड बहुत अच्छा रहता है और वो अपने मन की जो बात होती ना वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाते हैं। और एक वही समय होता है जब वो दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते हैं, एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि यार हम अपने मन की बात किसी और से कर लेते तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम जब अपने मन की बात, कोई अपनी टेंशन होती है वो हम दूसरों के साथ में शेयर करते हैं तो हम कितना ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और जब सोचिए जब हम ये बात अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते होंगे तो हमें कितना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप बनाने से हमारा दिमाग बहुत स्टेबल रहता है और हम चिंता एंड टेंशन फ्री रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए हमारी दूसरी बारी आती है, मूड एकदम फ्रेश रहता है। मूड फ्रेश तो रहेगा ही यार, जब शादी के बाद में हम, वैसे तो नए नए कपल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पुराने कपल्स की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो हम क्या होता है ना कि जैसे हम आज रिलेशनशिप बना रहे हैं तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना, ऐसा लगता है कि यार हम बहुत टेंशन फ्री हो चुके हैं और हमने अपने सारे मन की जो बातें थी, हमारे मन में जो चल रहा था वो हमने अपने पार्टनर से शेयर कर ली। मतलब यार हमारे दिमाग का और दिल का दोनों का बोझ बहुत ज़्यादा उतर गया है। तो बस हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है और हम एक एनर्जी के साथ में काम करते हैं और सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत मेन अच्छा पॉइंट है कि यार हमारा मूड फ्रेश होना। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी गुस्सा आता है, तो वो सब चीज़ें हमारे साथ में नहीं होती है। पे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर को लेकर कंट्रोल में करता है। क्या होता है ना, डेली फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो नहीं होती है। तो हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब यार कैसे कह सकते, बहुत फ़ायदेमंद है। एंड आपको पता है इससे जैसे पीरियड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे गर्ल्स के साथ में पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द होना, हल्का सा मतलब वीकनेस आना, ये सब चीज़ें होती हैं। बट शादी के पहले ज़्यादा होती है क्योंकि उस टाइम हमें पेन ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद में ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा सा हमें दर्द कम होता है। और एक सबसे मेन बात, ये सब चीज़ें हैं ना हम अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर पाते। हाँ वैसे तो मदर हमारी बहुत हेल्प करती है जब हमें पीरियड्स आते हैं, लेकिन हाँ जब हमारी शादी हो जाती है, हमारा जो पार्टनर होता है वो हमारी बहुत केयर करता है, तो हमें फिर उस टाइम ऐसा फील होता है कि नहीं यार हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा पेन कम हो रहा है। तो उस टाइम पे यार एक कोई हमें ऐसा रहता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। जब तो पीरियड्स को लेकर भी हमारे माइंड में मेंटेलिटी होती है कि नहीं यार शादी के पहले हमें बहुत ही होता था, शादी के बाद, तो उससे ना क्या रिलेशनशिप, जब हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते ना तो हमारा बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो सबसे मेन टॉपिक हमारा आता है कि यार रिश्ते में गहराई। क्या होता है ना कि आपके बीच में कुछ कितनी भी अनबन चल रही, और आजकल यार आजकल के कपल में सबसे ज़्यादा झगड़े चलते हैं। पुराने कपल एडजस्ट करते थे, पुराने लोग सोचते थे कि यार नहीं झगड़े नहीं करने हैं, आपस की बातें किसी को नहीं बतानी है,
गुस्सा भी कम करते थे। और पहले के लोगों में ऐसा था कि यार रिलेशनशिप को लेकर इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था, लेकिन हाँ आजकल के जो लोग हैं बॉन्ड, मैं ये नहीं कह रही कि पुराने लोगों में प्यार प्यार बहुत था, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर वो खुल के बात नहीं करते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन, उनका ये सोचना है कि यार हम अपने पार्टनर से हर तरह की बात करें। तो जब हम दो पार्टनर्स आपस में इंटीमेट होते हैं तो उस टाइम पे वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, अपने मन की जो बातें वो भी बताते हैं, फैमिली को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी बताते हैं। और गर्ल्स अधिकतर ऐसा करती हैं कि घर में जो भी मैटर्स हो रहे हैं कि यार सास को लेकर ननद को लेकर ये वो उस टाइम पर अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करती है। और ऐसे में क्या करते हैं ना, पार्टनर गुस्सा नहीं होते। अगर आप नॉर्मल वे में अपने पार्टनर से बात करोगे कि यार तुम्हारी सिस्टर ऐसी है, तुम्हारी मदर ऐसी है, हालांकि वो सबके बीच में चलता रहता है, कोई ऐसा नहीं होता है, बट हाँ वो अपनी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने उस टाइम पे हमारा जो पार्टनर रहता है वो हमारे साथ में कोऑपरेट करता है और हमारी हर बात को सुनता है और वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं इस बारे में बात करूंगा। तो उस टाइम पे लेडीज को लगता ही नहीं यार मेरा पार्टनर मेरी बहुत बात मानता है, मेरी हर एक बात को सुनता है, तो उस टाइम हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें जो झगड़े हैं वो झगड़े हम भूल जाते हैं और एक दूसरे में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। और रिलेशनशिप बनाने से सबसे मेन चीज़ तो ये कि थकान जो होती है, थकान थोड़ी सी होती है लेकिन एक रिलैक्स फील अलग होता है। आपको पता है जब आप अच्छे से रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको एक प्रॉपर नींद मिलती है। नहीं तो क्या होता है ना, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बनाते और लंबे लंबे समय तक वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, तो आपस में जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा बढ़ती जाती है और आपस के झगड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने पार्टनर से दूर ना रहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली सेक्स करें, ऐसा कभी भी नहीं कहूंगी, हाँ बट हाँ हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बनाए ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चले एंड आप एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम में, एक दूसरे की खुशी में, हर चीज में आप उनका साथ दे पाए। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड हाँ गाइज, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि यार रिलेशनशिप बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं और डेली रिलेशनशिप बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, उसी तरह से डेली रिलेशनशिप बनाने से कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उस पर भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो लेकर आऊंगी और बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो पर अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं या अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जरूर लेकर आऊंगी कि डेली रिलेशनशिप बनाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए इस वीडियो का अब हम यहीं पर करते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियो के साथ एंड। तो कई लोग इस चीज़ को भी गलत लेके जाएंगे क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता और खुलकर तो कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस बारे में खुलकर बात करना चाहता है तो उसे गलत वे में लिया जाएगा या फिर उसके कैरेक्टर पर ऐसा बोला कि यार ये इन्फ्लुएंसर पैसा कमाने के लिए, मैं ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि यार मैं लोगों को हर चीज़ के बारे में बता सकूँ, हर चीज़ उन लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ जिनको जिनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं आज ही ये वीडियो लेकर नहीं आऊँ, आपके लिए बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, फीमेल हाइजीन, पीरियड्स को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर और फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद की प्रॉब्लम, पहले की प्रॉब्लम्स, यूरिन्स प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, गर्ल्स प्रॉब्लम, सभी पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बोलोगे दीदी कितना बोल रही है यार इतना ज्यादा लंबा वीडियो बना दिया। तो चलिए मिलते हैं और एक अच्छी वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। बाय बाय।